एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक आसफपुर में स्थित दक्तोरी गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 12 किलोमीटर दूर तो जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी मात्र 45 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मंजू देवी हैं। लगभग 2400 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 519 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 399 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 9 हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 36 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली व प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री का निर्माण भी कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, बैंक, पंचायत घर, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चौकी, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं धर्मेश कुमार सिंह, ग्राम प्रधान दप्तोरी, विकास खंड आसफपुर, तहसील बिसोली, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से। मेरी ग्राम पंचायत में सरकार ने पिछले 2 वर्षों से जो भी पैसा दिया है पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उसको गांव में व्यय किया है, जिसके तहत मैंने गांव में अब तक 6 सीसी रोड, 4 प्रधानमंत्री आवास, 36 सोलर लाइट, 4 इंडिया मार्ग का रिबोर कराए हैं, 1 मनरेगा की सड़क डलवाई है, प्राथमिक विद्यालय में समरसिबल पंप लगवाया है, प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल का काम निर्माणाधीन है और प्राथमिक विद्यालय में 1 शौचालय का निर्माण कराया है। इसके बावजूद भी गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके लिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से धन की आवश्यकता है। जो हमारे गांव की मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उसमें मुख्य रूप से हैं, ओवरहेड टैंक का निर्माण की बहुत आवश्यकता है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे गांव में नहीं है, बहुत लंबा क्षेत्र लगता है, यहाँ पर लगभग 40-50 गाँव का सेंटर है और एक सर्व यूपी ग्रामीण बैंक है जिसमें आए दिन कनेक्टिविटी की समस्या रहती है और भीड़ का जाम बड़ा रहता है, जिससे कि किसी का काम जो है समय से नहीं हो पाता है। हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक पंचायत घर का निर्माण नहीं हुआ है, तो जो हमें मीटिंग करनी होती है अपनी ग्राम पंचायतों की, जो मीटिंग है वो सार्वजनिक स्थल है, कभी प्राथमिक विद्यालय में कर ली, कभी मंदिर पर बैठ के कर ली, इस तरह से करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ एक पंचायत घर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, खेल के मैदान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो जब मैं पूर्व में प्रधान था सन 2005 से 2010 में, तब मैंने बड़ी प्रयास करके अपने यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया था, लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैं वहाँ जाता हूँ तो पता लगता है कि वहाँ स्टाफ नहीं है, मरीज तो हैं लेकिन स्टाफ नहीं है, तो वहाँ स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। हमारे गांव में मैंने बहुत काम कराए, पिछले प्रधानी में भी करवाए, अब भी करा रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी लगभग 3000 मीटर सीसी रोड का अगर पैसा सरकार से मिले तो हमारे गाँव पूर्णतया सीसी हो जाएगा। 50 सोलर लाइटों की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। 2-3 आंगनबाड़ी हैं हमारे यहाँ, 4 आंगनबाड़ी हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केवल केंद्र 1 है, इसलिए कम से कम 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तो होना ही चाहिए, जिससे कि गांव की जनता को सरकार की योजनाओं का विधिवत तरीके से लाभ मिल सके। 2 सार्वजनिक शौचालय अगर हों तो खुले में जो शौच मुक्ति का अभियान चल रहा है उसको पूरा किया जाए, उसमें कुछ सहयोग हो सकता है। और पूर्व सरकार में हमारे यहाँ पर विकास खंड स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य अभी सरकार द्वारा रोक दिया गया है, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है केंद्र सरकार से तो उसका बजट पारित हो गया है, लेकिन राज्य सरकार किस वजह से उसको रोके हुए इसकी जानकारी तो अभी मुझे नहीं है। लेकिन सरकार बदलने के बाद जो प्रशासनिक अमला है उसकी सोच में कोई परिवर्तन अब तक नहीं आया है, मतलब उनकी सोच में बिल्कुल परिवर्तन ही नहीं है। जिस तरीके से काम लगा था कि सरकार बदली है तो कुछ बदलेगा, तो टीवी में, अखबार में और मीडिया पर तो हमको दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देता है बड़ा विकास हो रहा है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो विकास संबंधी
कार्य कराने में जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से मेरी समस्या विफल है, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों में लगभग 6 बार अपने ग्राम पंचायत की, मेरे यहाँ बेसलाइन सर्वे की सूची है जिसमें लगभग 532 नाम हैं जो बेसलाइन सर्वे में हैं, जिनके शौचालय बनने हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोगों के बन चुके हैं, 250 के बन गए होंगे, लेकिन अभी भी 250 से 300 शौचालय का निर्माण अगर गाँव में हो तो हमारा गाँव ODF में आ सकता है। पिछले 2 सालों में मैंने 6 बार ब्लॉक स्तर पर, खंड विकास कार्यालय पर पिछले 6 बार सूची उपलब्ध कराई, लेकिन अभी तक एक भी शौचालय का पैसा लाभार्थी के खाते में नहीं आया। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री का जो एक वो है IGS पोर्टल, उस पर मैंने शिकायत डाली माननीय जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय ने जिला पंचायत राज अधिकारी को फॉरवर्ड कर दी और उस शिकायत का निस्तारण फर्जी तरीके से ये कर दिया गया कि 50 शौचालय का पैसा खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि बैंक में ये पैसा मौजूद नहीं है। इस संबंध में मैं कई बार, लगभग 6-8 बार तो खंड विकास अधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका हूँ, जिला पंचायत राज अधिकारी से दूरभाष पर कई बार वार्ता हुई है, वो कहते हैं नहीं प्रधान जी आपका पैसा दो चार दिन में पहुँच जाएगा, लेकिन अभी तक किसी शौचालय का पैसा नहीं पहुँचा, और जबकि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च तक ODF हो जाए या फिर अप्रैल तक ODF हो जाए, हमारे यहाँ जब शौचालय का पैसा आया ही नहीं तो ODF इसका, जबकि ये सेंटर का गांव है, यहाँ पे लगभग 22 गांव के लोग निकलते हैं यहाँ से, ये सेंटर का गांव है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, लगभग 1-1.5 लाख रुपए के टिकट यहाँ रेलवे स्टेशन पर बिकते होंगे, और उस गांव के लोग यदि खुले में शौच जाते हों तो ग्राम प्रधान होने के नाते मुझको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। चलिए, जो लोग, मैं प्रयास करता हूँ, जो लोग अपने आप में समर्थवान हैं उनसे मैंने प्रयास किया है, उन लोगों ने अपने शौचालय का निर्माण भी कराया है, लेकिन जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं चाहूँगा कि सरकार उनको मदद करे शौचालय बनवाने में, और मेरी तरफ से जितना भी सहयोग होगा मैं सहयोग तो अपना करूँगा ही, बाकी बस एक ग्राम पंचायत की जनता से एक ही संदेश है मेरा कि गाँव में साफ सफाई की विशेष ख्याल रखें, आपसी मतभेद को भुला करके अगर कहीं विकास की बात आती है तो उस विकास में सहयोग करें अपना, बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें जिससे कि बच्चे शिक्षित हों, गुणवान बने और अपने भविष्य को संवार सकें।